this, but you can paste this. शर्फू शर्फू जी, मैंने आपसे कहा था ना कि साहब की नौकरी ख़त्म हो गई है, घर में अब जो है मुर्गी नहीं दाल पकेगी। साहब की नौकरी ख़त्म हुई है ना, मेरी तो नहीं। आप लोगों ने देखा था मैं पेस्ट्री बेक कर रही थी, पेस्ट्री के लिए जो है इसका यानी कि मैं केक बेक कर रही थी, इसको बनाने के लिए बेक हो गया, दो कट है मैंने इसको पीसेस में कर लिया, एक ये रहा एक ये रहा। अब मैं इसे ऑरेंज जूस के साथ जो है क्या कहते हैं मॉइस कर रही हूँ। और देखें यहाँ मैंने ये चॉकलेट गनाश भी बनाया हुआ है, ये चॉकलेट गनाश डालेंगे हम इसके बीच में, अभी डालते हुए दिखाऊंगी। और जो मैंने क्रीम व्हिप करके रखी हुई है थोड़ी सी चॉकलेट के साथ वो करेंगे, तो पहले हम इसे मॉइस कर लेते हैं। व्हिप्ड क्रीम ये रही, इसमें थोड़ा सा मैंने यही चॉकलेट गनाश मिला दिया था। अब मैं इसको अच्छी तरीके से जो है ना इस पर स्प्रेड करूँगी अपने इस वाले पीस पर। तो देखें हमने क्रीम को यहाँ स्प्रेड कर लिया। अच्छा अभी तो मैं देखें ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि तफसीली सिर्फ रेसिपी नहीं बन रही है, वीलॉग बन रहा है यहाँ पर। तो जो जो चाहता है कि मैं मज़ीद पेस्ट्रीज़ की जो है रेसिपीज़ अपलोड करूँ तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा इंस्टा पर फॉलो कीजिए। तो इसको देखें जो गनाश बना है इसकी भी एक लेयर बस स्प्रेड कर देंगे। देखिए हमने अपना दूसरा पीस उसको जो है चॉकलेट लगा के ये वाला ऊपर रख दिया, बस अब इसको जो है सिर्फ ऊपर क्रीम से करते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त मैंने यहाँ से फिनिश कर दिया है। अब मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा साइड से दोनों साइड से इसको कट कर लूँगी। ये निकल गए पीस, ठीक है। अब हम यहाँ पर देंगे इनको पेस्ट्री की शेप, बहुत हल्के हाथ से हमने इन्हें कट करना है ताकि हमारी पेस्ट्री जो है बिल्कुल सेट रहे। तो प्लीज़ बताइएगा जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आई विल शेयर अनदर रेसिपीज़ इंशाल्लाह। देखें ठीक है, अब बाकी करती हूँ मैं फिर आपको। आप ये देखें हम यहाँ बीच से करें, तो हमारे पास बहुत अच्छे से साइज़ की 6 पेस्ट्रीज़ यहाँ रेडी हो गई हैं। चलें अब इसको करते हैं हल्का सा डिकोर। तो देखें कर रहे हैं हम यहाँ पर, आप अपने हिसाब से जो डिज़ाइन बनाना चाहें कर लीजिएगा, मैंने इस तरह किया है, वो वाली फ़ाइनल लुक देख लीजिए। ऊपर से आप थोड़े स्प्रिंकल्स डालेंगे एंड देन पेस्ट्रीज़ आर रेडी। अस्सलामुअलैकुम, किचन विद फरिया बलोच के साथ, किचन विद फरिया बलोच के साथ फरिया बलोच और उनकी फैमिली आज ईद के तीसरे दिन अगेन आप लोगों को कहते हैं ईद मुबारक। मैंने कहा इससे पहले कि आज थर्ड डे है और ईद मज़ीद बासी हो जाए तो आपसे एक व्लॉग और बना लेते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, आपकी खुशियां भी सुनते हैं कि आपने क्या हमारे साथ अपने घरों में किया, हमारे साथ नहीं कि अपने घर वालों के साथ, और हम क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ एक तो आज मैं कि आप लोगों ने हमारे व्लॉग्स को इतना पसंद किया और इतनी पज़ीराई दी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पज़ीराई के लिए। और जो है बहुत मुझे खुशी हुई आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के और बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरीके से हमें जो है हमारे साथ कनेक्ट रहें और हमारे साथ जो है मिलजुल के रहें। और अपनी ईद की खुशियाँ आपने कैसे मनाई हैं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया और मेरी गज़ल सुनकर बहुत पसंद किया, मेरी मिसेज ने बताया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने पसंद किया। तो मेरी मिसेज ने कहा कि एक और आप गज़ल गा दें, तो मैं एक छोटी सी ताकि ज़्यादा बोर ना हो आप लोग पेश करना चाहूँगा फॉर माई प्रिटी वाइफ। न जाने क्यों दिल से ये आवाज़ आई, मिलन से है बढ़ कर तुम्हारी जुदाई, ये आँखों के आंसू
न कहलाते मोती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी पूरा देखना है, मिस नहीं करना है। इसके अलावा पेस्ट्री बनाई है। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, मैंने इतने आप लोगों के प्यारे कमेंट्स पढ़ के और जो मेरे हस्बैंड की माशाल्लाह अच्छी सी परफॉर्मेंस होती है, ये बहुत माशाल्लाह से सिर्फ आपके सामने नहीं गा रहे, माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर जो है ये परफॉर्म कर चुके हैं बहुत सारी जगहों पर वर्ल्ड वाइड। तो अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इनका भी चैनल बनाया जाए। तो आप लोग हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं, और अगर हम ऐसा करें तो आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे कि नहीं, उसका हमें नाम क्या रखना चाहिए, सजेशंस दें। फैमिली आप हमारी, आपके साथ शेयर करें, आप हमें मशवरे दें और जो है हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। इंस्टा पर फॉलो करें, किचन विद फरीहा बलोच के साथ मौजूद हूँ वहाँ पर। और हम लोगों को इजाज़त दें इस प्यारे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के जाने से हमें, और मैंने जो पेस्ट्रीज़ बनाई हैं उसमें अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और रेसिपीज शेयर करूँ उसकी, तो मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल के लिए ज़रूर बताएं हस्बैंड के। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़ करते हैं। अल्लाह हाफिज़ हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह हाफिज़।